यूनिवर्सिटी का फोर्थ सेमेस्टर का जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे दिए हैं और फोर्थ सेमेस्टर में चले गए हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर फोर्थ सेमेस्टर का हिस्ट्री, जो जिस स्टूडेंट का CC4 हिस्ट्री है, GE4 हिस्ट्री है, और उनका मन है कि कहीं से मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स प्रोबेबल क्वेश्चन मिल जाए। तो आज मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। फटाफट कॉपी को ओपन कर लीजिए और लिखना चालू कीजिए और आप मेरे दिए हुए जो क्वेश्चन है, आज मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसको क्या कीजिए, जहाँ स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर लेकर जाइए, सर को बोलिए सर इस सारे क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दीजिए। एक दूसरा नंबर है वो भी नहीं, कहीं क्लास नहीं कर रहे हैं, आप कॉलेज स्ट्रीम में जाइए, मार्केट से बुक खरीदिए, मेरा आज जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको क्या कीजिए, अच्छा से जो है उसमें नोट डाउन कीजिए, मार्क कीजिए, स्टडी कीजिए और जाकर मेरा पार कर लीजिए फोर्थ सेमेस्टर। तीसरा नंबर, फिर भी अगर नहीं तो मैं खीरीपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ, मेरा बैच ओपन हो चुका है फोर्थ सेमेस्टर का। जिस स्टूडेंट का सेकेंड सेमेस्टर भी, थर्ड सेमेस्टर भी, फर्स्ट सेमेस्टर में भी सप्ली अगर है तो मैं दावा दे रहा हूँ आप लोग का सप्ली मैं क्लियर करवाऊंगा। मैं खिदीपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ, SKS इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी नहीं तो आप एकदम मिनिमम फीस देकर मुझसे जो है CC4 या GE4 हिस्ट्री का नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए, मैं आप लोग के लिए इतना कुछ सोच रहा हूँ तो मुझे आपको सपोर्ट करना हो, आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए कि देखिए आपका एक शेयर के वजह से कॉलेज में अगर आप शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड को दे दीजिएगा, आपको मालूम है कितना सारा लाखों लाखों स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सप्ली खा रहे हैं। सेकेंड पेपर में किसी का एक पेपर सप्ली है तो किसी का फर्स्ट पेपर में सप्ली है, कोई किसी का सेकेंड ईयर में सप्ली है, किसी का थर्ड ईयर में किसी का थर्ड सेमेस्टर में सप्ली है। तो मैं नहीं चाहता हूँ फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में आप सब लिखा है, आपको एक बार में निकलना है। फटाफट आप लोग रेडी हो जाइए और मैं आप लोग को क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इंटरप्रीटिंग द 18th सेंचुरी। सेकेंड क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ द 18th सेंचुरी इंडिया। व्हाट वेयर द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा। Explain the circumstances leading to the conflict between the Mir Qasim and English in Big Bengal. What is the significance of the Battle of Buxar? What was the nature of the mutiny of 1857? What do you know of the commercialization of agriculture in Eastern India? Write a short note on the contribution of Veer Salingam on the field of writing. Note on the early and political life of Shah Alam Dwitiya. Discuss the significance of the doctrine of Leibs. Who were the signatories of the Treaty of Bessin? Treaty of Bessin. What was its significance? What do you know of the Treaty of Bessin? मतलब Treaty of Bessin कुछ भी आएगा तो आप ये आंसर लिख सकते हो इसका आंसर। Discuss the causes of 1857 revolt. 1857 का revolt का क्या कारण है? What do you know of the development of jute industry in India? ठीक है, अब मैं कुछ short question दे रहा हूँ। What happened in the 18th century? What did the Mughal Empire decline? What was the impact of Battle of Buxar on Bengal? What impact did Battle of Buxar have on India? What caused the Great Bengal Famine of the 1770? What were the causes of the Great Rebellion of 1857? What was the outcome of the revolt? What are the causes and result of the revolts of the 1857? What was the result of the revolt of the 1857 on British? ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्लास समाप्त हो जाता है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोग को एक बात और बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर का 3 साल का क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाइए, मतलब 2020 का क्वेश्चन पेपर देख के जाइएगा, 2022 का क्वेश्चन पेपर देख के जाइएगा, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन पेपर जरूर दिखाए। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर टच कर लिए, मेरा क्वेश्चन टच कर लिए, गारंटी दे रहा हूँ कहीं भी 100% क्वेश्चन घूमेगा नहीं,
100% क्वेश्चन कॉमन फंसेगा ही फंसेगा, कॉमन वर्ड हटा दीजिए, श्योर फंस जाएगा।